हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं कर रही हूँ फेस्टिव लुक। इन जस्ट वन मिनट आप अच्छे से कैसे अपने फेस्टिव लुक को ग्लो अप दे सकते हो, तो इस वीडियो को फुल देखिए और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में। लेट्स गेट स्टार्टेड। Started with cleansing my face with the face wash and then I'm wiping out my all dust. अगर face wash के बाद भी बचा हो तो उसके बाद मैं toner use कर रही हूँ। This is a DIY rose water toner. Then उसके बाद मैं use कर रही हूँ moisturizer जो है Pond's, एकदम light moisturizer. Then उसके बाद मैं eyebrow fix कर रही हूँ, just mascara ले रही हूँ dry and then setup. उसके बाद मैं कंसीलर के हेल्प से आई बेस बना रही हूँ और अच्छे से मैंने ब्लेंड आउट कर दिया है। उसके बाद मैं न्यूट कलर लगाया, फिर देन मैंने एक रेड क्रिश कलर लगाया, उसके बाद एक शिमर आई शेडो लगाया, उसके बाद जस्ट नीचे में भी वही रिपीट किया मैंने। उसके बाद आई लाइनर लगाया है एंड मस्कारा। दिस इज द सिंपल लुक इन जस्ट वन मिनट। उसके बाद मैंने प्राइमर के लिए यहाँ पे एलोवेरा जेल को यूज़ किया है जो आपके पोर्स को मिनिमाइज़ कर देगा अच्छे से। एंड इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने कंसीलर की हेल्प से अपने अंडर आइज़ को कवर कर लिया है। ये मैंने कैटरीना कैफ की ट्रिक आजमाई है यहाँ पे, तो आप ये कर सकते हो। दिस कंसीलर इज़ फ्रॉम मेबेलिन एंड अच्छे से ब्लेंड आउट कर लीजिएगा आप इसको पूरी फेस में। इसके बाद मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लिया है मेबेलिन का, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही मैंने कवर अप किया है। और उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपना फेस अच्छे से बेक कर लिया है। एंड देन उसके बाद आता है पाउट ब्लशर का। सो दिस इज द स्विस ब्यूटी ऑल इन वन पैलेट और इसके शेड्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। उसके बाद मैंने सेम पहले से हाइलाइटर भी यूज़ किया है एंड दिस इज़ द एलिन 18 लिपस्टिक इन द शेड ऑफ रेड। एंड या दिस इज माय फाइनल लुक। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड गिव मी अ बिग थम्स अप।